फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज आवर स्टडीज एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर टू ऑफ क्लासिक्स ज्योग्राफी। एंड इस चैप्टर का नाम है ग्लोबल लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। एंड बेसिकली हम इसमें समरी सी देखेंगे एंड कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे ताकि आपको पूरी बुक के थ्रू जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड इसमें हम आज डिस्कस करेंगे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड किसी प्लेस की लोकेशन का कैसे लगाते हैं पता, वो देखेंगे हम उसमें। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सो अगर आपने हमारी पहली की वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो प्लैनेट हैं उनके दो मोशन होते हैं, एक होता है रोटेशन और एक होता है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन होता है वो किसी स्टार के अराउंड होता है, फॉर एग्जांपल सन। एंड जो रोटेशन होता है वो अपने ही एक्सिस पे जो प्लैनेट है वो रोटेट करता है। एंड जो अर्थ रोटेट कर रही है वो करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट कर रही है। एंड देर इज टू पोल्स, सेकेंड जो पॉइंट है उसका नाम है देर इज टू पोल्स, वन इज नॉर्थ पोल एंड सेकेंड इज साउथ पोल। एंड किसी भी प्लेस की अगर आपको डायरेक्शन पता लगानी हो, फॉर एग्जाम्पल जो आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है इससे पहले की वीडियो में, वो हमें पता लगती थी नॉर्थ जो आपका पोल स्टार था वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन आपका डिनोट करता था। सो नॉर्थ की तो लग गई हमें पता कि ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन वो करेगा एंड साउथ इसके ऑपोजिट होती हैं, ठीक है, इतना हमें पता लग गया। सो जब इन दोनों के थ्रू इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक लाइन जब बनाते हैं तो इसे कहा जाता है एक्सिस। और ये एक परमानेंट लाइन नहीं है, ये जस्ट इन इमेजिनरी लाइन है, मतलब ऐसे अर्थ के ऊपर कोई लाइन बनी नहीं है, बट ये हमने इमेजिनरी लाइन बनाई है जस्ट। एंड ये जो लाइन है ये आपके कनेक्ट करती है टू नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये हमें आपको पता लग बता दिया मैंने कि नॉर्थ पोल कैसे बना एंड साउथ पोल कैसे हुआ। नेक्स्ट जो है वो है आपका इक्वेटर। इक्वेटर है फॉर एग्जांपल ये है आपका अर्थ। इक्वेटर जो वो लाइन होती है जो आपको अर्थ को डिवाइड करती है इक्वल हाफ्स, इसे कहा जाता है इक्वेटर। एंड इसका जो डिग्री होता है वो होता है 0 डिग्री पे होता है ये। एंड ये डिवाइड करता है आपका जो अर्थ को वो टू पार्ट्स में। एंड जो ऊपर वाला पार्ट है उसको कहा जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एंड जो नीचे वाला पार्ट है इसको कहा जाता है सदर्न हेमिस्फीयर। एंड जब इसी के जो पैरेलल सर्कल बनते हैं आपके इक्वेटर के पैरेलल सर्कल्स बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो इनको कहा जाता है लैटिट्यूड्स। ये आपके साउथ डायरेक्शन में भी है एंड आपके नॉर्थ डायरेक्शन में भी है। एंड इनको कहा जाता है आपका लैटिट्यूड्स और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। फॉर एग्जांपल अगर आपको क्लियर नहीं शो हो रहा है तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये है आपका अर्थ एंड ये जो सेंटर से जा रहा है इसे कहा जाता है इक्वेटर। एंड ये होता है आपका 0 डिग्री पर। एंड जो इसके पैरेलल जो सर्कल बनते हैं यूं, ये आपके अदर डायरेक्शन में भी है, मतलब इससे जो बैक साइड में है उसमें भी है ये सर्कल्स ऐसे ऐसे करके। इनको कहा जाता है पैरल्स ऑफ लैटिट्यूड और सिंपल भाषा में कहा जाए तो उनको कहा जाता है लैटिट्यूड्स। और ये है आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ये है आपके सदर्न वाले। यहाँ से अगर मैं इनको दूसरे कलर से दिखाता हूँ, डोनेट करता हूँ, एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर। सो ये हो गए आपके साउथ के लैटिट्यूड्स एंड इक्वेटर आपका 0 डिग्री पर है। एंड जो भी आपके
आपके नॉर्थ साइड में होंगे, उनके आगे आपका नॉर्थ एन लगेगा जस्ट टू शो कि आपके नॉर्थ साइड में है, एंड ये जो नीचे साउथ में उनके आगे एस लगेगा, एंड इनको मेजर किया जाता है डिग्रीज में। फॉर एग्जांपल ये आपका इक्वेटर, अब यहाँ पर कोई एक पैरेलल है, अब इसको देखेंगे यहाँ से कि कितने डिग्री पे है, फिर ऐसे देखेंगे ऐसे करेंगे, इसको मेजर किया जाता है डिग्री में इस प्रकार से कि कितना एंगल बनाते हैं ये, तो उसमें इनको मेजर किया जाता है लैटिट्यूड्स को। एंड फॉर एग्जांपल कोई जो लोकेशन है, मतलब यहाँ पर एक पॉइंट है और ये है हमारा 23, तो इसको हम कह सकते हैं 23 डिग्री नॉर्थ। एंड वहीं पर अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है साउथ डायरेक्शन में, तो उसको कहा जाता है, अगर सेम पे ही लेके चलें, फॉर एग्जांपल 23 पर हम लेके चल रहे हैं, तो 23 डिग्री साउथ इसको नाम दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कहता है कि एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर साइज ऑफ पैरल्स ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेस। अब इसको मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है आपका अर्थ और ये हमने डिस्कस किया था, ये था इक्वेटर जो कि है 0 डिग्री। अब देखो यहाँ पे जब यहाँ पर और धीरे धीरे जो इनका साइज है, देखोगे आप पहले यहाँ, अगर यहाँ देखो यहाँ पे इतना ही साइज रहेगा इसका, यहाँ पर धीरे धीरे देखो इनका साइज डिक्रीज हो रहा है, तो इसको कहा, ये है इस पॉइंट का मतलब कि एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर साइज ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेस। कुछ एक इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है वो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि है आपका 23 डिग्री नॉर्थ के ऊपर, एंड जो सेकेंड है वो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन वो है 23 डिग्री साउथ में, एंड थर्ड है वो है आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ में, एंड एंटार्क्टिक सर्कल है वो भी आपका 66.5 डिग्री साउथ में है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको बेटर समझ पाए, सॉरी। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया आपका अर्थ और ये बीच में गया आपका इक्वेटर, इक्वेटर आपको पता है आपका 0 डिग्री पर है, और ये है आपका नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, एंड मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि डिफरेंट कलर शो हो पाए। अब मैंने कहा था आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे 23 डिग्री। अब जैसे मैंने कहा था आपको कि आपके जो नॉर्थ डायरेक्शन में होंगे उनके पीछे एन लगता है, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन डिनोट करता है ये, तो फॉर एग्जांपल ये हुआ आपका जो मेन इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड की हम बात कर रहे हैं वो है आपका 23 डिग्री नॉर्थ, एंड वैसे ही आपका आर्कटिक सर्कल है वो होगा आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ में। इसको कहा जाता है, ये वाला जो लैटिट्यूड है इसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड इसको कहा जाता है आर्कटिक सर्कल। एंड नेक्स्ट मैं ड्रॉ कर लेता हूँ साउथ साइड में। फॉर एग्जांपल साउथ साइड में है ये है 23 डिग्री साउथ में, इसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। एंड इन सभी जो लैटिट्यूड है इनकी हम इम्पोर्टेंस देखने वाले हैं बाद में, नेक्स्ट वीडियो में। एंड ये है आपका आर्कटिक सर्कल और नीचे है आपका साउथ पोल। सो फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें हम, तो उसका नाम है हीट जोन्स ऑफ अर्थ। एंड जैसे कि हमने डिस्कस किया था अभी, कुछ एक इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। फॉर एग्जांपल मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ आपको इसको दिखाने के लिए, हीट जोन ऑफ अर्थ। फॉर एग्जांपल ये था आपका
इक्वेटर, और यहाँ पर था आपका 23 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पर था आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ। इसको कहा जाता है आर्कटिक सर्कल। सो अगर हम थोड़ा सा एक बेसिक सा नॉलेज देखें, सो फॉर एग्जांपल ये है आपका सन, और यहाँ पर बात करें हम तो ये है अर्थ। सो अगर देखोगे आप, अगर सन की लाइट आपके अर्थ के ऊपर आती है, तो फॉर एग्जांपल अगर ऐसे आ रही है तो आप देखोगे कि इसकी जो कंसंट्रेशन है लाइट की वो ज़्यादा है और हीट भी ज़्यादा होगी इस पॉइंट पे। सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो हीट है वो आपका डायरेक्टली सन के ऊपर पड़ रही है। बट अगर दूसरे केस में देखें, फॉर एग्जांपल ये है आपका सन, एंड अगर बड़ी जैसे हाइट में देखें, जो हाई लैटिट्यूड्स में देखें, फॉर एग्जांपल ये लैटिट्यूड्स हो गए, हाइट में लैटिट्यूड्स में देखें, तो इसमें जो सन की जो रे है वो स्लैंटिंग हो जाती है, मतलब इतनी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहती है और वो बिखर जाती है, जिसकी वजह से जो आपकी जो सन की जो हीट है वो आपकी वीक हो जाती है थोड़ी सी, कंपैरेटिवली जो आपकी इस केस में। अब देख लेते हैं इसमें, ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है इसका आर्कटिक सर्कल। जो 23 डिग्री नॉर्थ एंड 23 डिग्री जो साउथ है, और फिर यहां पर हो गया आर्कटिक सर्कल। अब ये जो पॉइंट है 23 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ, यहाँ पे जो सन की जो रेज है वो सीधा पड़ती है, ओवरहेड पड़ती है अर्थ के ऊपर इन पॉइंट के बीच में। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसको कहा जाता है टॉरिड, टॉरिड जोन। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ 1 मिनट। एंड इसके जो बियॉन्ड जो पॉइंट है उसके बाद आपकी जो अर्थ की जो रेज है वो आपके स्लैंटिंग पड़ती है, जिसकी वजह से इनकी जो हीट की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है। इसके बियॉन्ड जो पॉइंट है वहां पर जो टेम्परेचर होगा, मतलब लाइट की वजह से, जैसे कि आपको पता है कि जो अर्थ प्लेनेट है वो अपनी जो हीट है वो आपके सन से लेते हैं, तो जब इनकी जो रेज है या फिर लाइट कह सकते हो आप, आपकी स्लैंटिंग पड़ेगी इससे बियॉन्ड पॉइंट में, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है मोस्टली कम ही होगा। इसको कहा जाता है टेम्परेट जोन, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो आपका मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। एंड इसके जो बियॉन्ड का पॉइंट है, इसके पास जो आपकी जो सन रेज की जो इंटेंसिटी है वो और वीक हो जाएगी, और उसको कहा जाएगा, मतलब यहाँ पर काफ़ी वेरी कोल्ड कंडीशंस होगी। इसको कहा जाता है फ्रिजिड जोन, और सेम ही ये पैटर्न यहाँ पर भी होगा साउथ में भी। ये पॉइंट हमने पहले डिस्कस कर लिया है टेम्परेट जोन का, सन डज नॉट गो बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, एंड टेम्परेचर गोज ऑन डिक्रीजिंग और स्लांटिंग रेज, और इसकी वजह से यहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर होगा। इसको कहा जाता है टेम्परेट जोन। एंड जो थर्ड है वो है आपका फ्रिजिड जोन, एरिया लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल, जो यहाँ पर है आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल, दिस इज कॉल्ड फ्रिजिड जोन। मतलब ये जो कंपैरिजन किया है हमने या फिर डिफरेंशिएशन किया है, ये आपका हीट के ऊपर किया है कि किस जो एरिया में कितनी कितनी हीट है, उसके हिसाब से हमने ये थोड़ा सा ये डायग्राम बनाया है। बल्कि है आपका अर्थ, तो ये होते हैं आपके सेमी सर्कल्स, एंड ये आपके इस तरह से होते हैं। आपका सेम ही इसी डायरेक्शन में भी होंगी। बेसिकली आप देख सकते हो कि आपके ये एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, एक पॉइंट पे मिलते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल।
और ये एक सेमी सर्कल्स होते हैं लॉन्गिट्यूड्स। एंड अगर आप जैसे देख रहे हो तो इनके बीच, फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो देखो काफ़ी डिस्टेंस है, बट जैसे ही आप थोड़ा सा पोल की तरफ जाओगे तो इनके बीच एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, और इनका जो डिस्टेंस है आपस में वो आपका डिक्रीज होता जा रहा है यहाँ पर अगर आप देखोगे। एंड जो प्राइम मेरिडियन, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपका 0 डिग्री माना जाता है, जो आपका जो एक लॉन्गिट्यूड है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसको कहा जाता है प्राइम मेरिडियन। और ये जो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, जो कि है आपका इंग्लैंड में, यहाँ से गुजरते हो जाता है ये 0 डिग्री। एंड ये जो 0 डिग्री की इम्पोर्टेंस ये है कि आपके जो अर्थ को आपको 2 भागों में डिवाइड कर देता है। फॉर एग्जांपल 0 डिग्री से जो वेस्ट में होंगे उनको कहा जाता है, वो आता है आपका वेस्टर्न हेमिस्फेयर। एंड जो आपके ईस्ट में होंगे उनको कहा जाता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर, वो पार्ट कहा जाता है आपका ईस्टर्न हेमिस्फेयर। और इसका तो हमने डिस्कस कर लिया है कि प्राइम मेरिडियन की जो लोकेशन है या फिर उसकी जो डिग्री है वो है आपका 0 डिग्री। एंड इट डिवाइड्स द अर्थ इंटू 2 हेमिस्फेयर, फॉर एग्जाम्पल ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो उसका मतलब है 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट, वो आपका होता है ऑन द सेम लाइन। अब मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस करना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट का मतलब, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, फॉर एग्जाम्पल ये कहा था हमने यूं, ऐसे होते हैं आपके लॉन्गिट्यूड, और एक 0 डिग्री बता दिया था हमने यहाँ पर। एंड इसके जो वेस्ट में जो या फिर वेस्ट में जो पॉइंट होंगे वो होंगे आपके वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, और ईस्ट में जो होंगे वो होंगे ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। सो अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर से देखें तो कुछ एक ऐसा डायग्राम बनता है इस तरीके से, कुछ अगर आप देखोगे ऊपर से देखने पर। सो फॉर एग्जांपल ये ले रहे हैं हम 0 डिग्री, एंड आपको पता है इसका जो एरिया होता है ये होता है टोटल 360 डिग्री। सो जब यहाँ से हम मूव करते हैं, ये फॉर एग्जांपल हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सो ये आएगा आपका 180 डिग्री यहाँ पर। यहाँ से जब चलते हुए तो इसके जो एरियाज होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 डिग्री होगा, यहाँ पर 2 डिग्री होगा, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि कैसे हम नाम देते थे उनको एन करके, जो आपके एरियाज जो थे आपके नॉर्थ में उनको एन से देते थे। फॉर एग्जाम्पल 23 को हमने 23 नॉर्थ लिखा था क्योंकि वो नॉर्थ डायरेक्शन में था, वैसे ही हम इसको भी देंगे। सो 3 डिग्री हो गया, 4 डिग्री होगा, 5 डिग्री होगा, ऐसे करके जब हम 180 डिग्री ई पे पहुँचेंगे, और यहीं पर अगर जैसे हम वेस्ट की तरफ में जब जाते हैं, सो ये जो 180 डिग्री यहाँ पर है, ये बेसिकली है तो पूरा पूरा टोटल 360 डिग्री का ही। तो जब इनको यहाँ से ये चलते हैं एंड यहाँ से ये चलते हैं तो ये बनता है टोटल आपका 360 डिग्री। एंड इसी की वजह से यहाँ पर जो 180 डिग्री वेस्ट है और ईस्ट है, ये आपके सेम एक ही लाइन पर आते हैं। इसका मतलब है ये वाला, इस वाली लाइन का मतलब है ये। एंड अगर आप किसी की भी लोकेशन देखनी हो, लोकेशन पता करनी हो, तो थोड़ा सा एक मैं एक वो भी बता दूंगा आपको एंड टाइम भी बता दूंगा। सो जनरली जो हम डायरेक्शन देखते हैं वो कैसे देखते हैं, फॉर एग्जांपल पोल स्टार से हमें नॉर्थ डायरेक्शन का पता लग गया। सो इसके जो ऑपोजिट होगी वो होगी आपकी साउथ डायरेक्शन, और इसके जो इस साइड होती है एंड इस साइड हो गई वो हो गई, यहाँ पर ईस्ट हो गई, यहाँ पर हो गई वेस्ट, मतलब नॉर्थ के जो आपके लेफ्ट साइड में है वो है आपकी वेस्ट डायरेक्शन और यहाँ पर है ईस्ट। इस तरीके से हम थोड़ा सा एक डायरेक्शन का भी पता लगाते हैं जनरली। एंड जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। सो जो पहले के टाइम में, इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूँ मैं, जो एंशियंट टाइम में या फिर पुराने काल में देखेंगे आप, पुराने टाइम में देखेंगे तो जो सबसे जो बेस्ट वे माना जाता था टू मेजर द
टाइम वॉज द मूवमेंट ऑफ सन. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है, एक मिनट, यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है एंड अगर आप देखोगे तो अगर इसकी जो सन है या अगर इसके ओवर हेड है, मतलब इसके ऊपर है, तो जो इसकी वो बनेगी, शेडोज बनेगी, वो यहीं पर कुछ एक बनेगी. बट अगर आपका जो सन है अगर इस डायरेक्शन में है तो इसकी जो जब शेडो बनेगी वो कुछ लंबी बनेगी और इस डायरेक्शन में बनेगी, लंबी बनेगी एटलीस्ट, और वो बनेगी, बड़ी बनेगी. और शेडो वैसे बनती क्यों है? फॉर एग्जांपल आपकी लाइट आ रही है, आपने कभी देखा होगा लाइट आ रही है, शेडो बनने का रीजन बता रहा हूँ मैं आपको. शेडो जब फॉर एग्जांपल इस एरिया से लाइट आ रही है, जब यहाँ से लाइट आ रही है या ये लाइट आ रही है, फॉर एग्जाम्पल ये जो पार्ट है, ये जो कुछ रेज आ रही है ये यहाँ पर रोक देगी एंड कुछ जो पास कर जाएगी, बट ये वाली जो रेज है ये आपके पास नहीं कर पाएगी क्योंकि ये आपका जो ऑब्जेक्ट है ये ओपेक है. तो इसकी वजह से यहाँ पर आपको ब्लैक शो होगा, ब्लैक जैसा शो होगा एंड इसको शेडो भी कहा जाता है. इसी तरीके से आपकी सबकी शेडो बनती है वैसे, आप अगर देखा भी होगा कभी. सो जो आपकी जो रेज होती थी आपके दिन के जो टाइम होती थी, क्योंकि दिन के टाइम जो आपका जो सन है वो आपका ओवरहेड होता है, तो उसकी वजह से जो आपने पहले डिस्कस कर लिया ये वाला, तो इसकी वजह से जो शेडो होती थी वो होती थी आपका शॉर्टेस्ट एंड जो सन की जो शेडो थी आपके लॉन्गेस्ट होती थी आपके सनराइज पर या फिर सनसेट पे. क्योंकि यहाँ पर देखोगे आप अगर, तो यहाँ पर जब यहाँ से सन इस पॉइंट में नून नून की तरफ आता था, तो यहाँ से जब ट्रैवल करेगा इस तरफ को, पहले तो यहीं पर होता है अगर आपने कभी देखा होगा, तो आपका होराइजन पे होता है जो सन होता है एंड इसकी वजह से जो आपकी शेडो बनती है वो आपकी वीक बनती है. तो बेसिकली अगर कोई भी अगर पर्सन उस टाइम होता था तो आपके शेडो से भी पता लगा सकता था कि इस टाइम कौन सा टाइम चल रहा है या फिर कौन सा टाइम चल रहा है. और वैसे अगर आप सन की मूवमेंट के हिसाब से देखिए कि फॉर एग्जांपल ये हम रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, आप नून का रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, सो जब एक डे क्रॉस हो जाता था, सो जब नेक्स्ट डे इसी पॉइंट पे जब आएगा तो लोगों को लगता था कि सन जब इसी पॉइंट पे नेक्स्ट डे पहुंचेगा तो इसका मतलब होता था कि एक दिन हो गया है. सो इस तरीके से पहले आपका जो टाइम था वो आपका मेजर किया जाता था विद द हेल्प ऑफ सन शेडो और मूवमेंट ऑफ सन. एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका अर्थ रोटेट्स अबाउट 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स, मतलब कि ये है आपकी अर्थ एंड जैसे कि मैंने पहले बताया था ये थी आपकी एक्सेस जो आपके नॉर्थ और साउथ पोल को करती है, जो आपके ये जो मूव करती है वो करती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन और ये है रोटेशन कर रही है आपकी, ओके, जो एक अपनी जो रोटेशन है वो कंप्लीट करती है आपकी इन 24 आवर्स में. और अगर हम ऊपर से देखें इसको ऐसे, सो फॉर एग्जांपल ये है एक पॉइंट, सो यहाँ से यहाँ को पहुँचने में इसको लगे हैं आपका रोटेशन करने में, मतलब लगा है इसको आपका 24 आवर्स. और ये हमने पहले डिस्कस के लिए ये होता है आपका 360 डिग्रीज. सो अगर हम एक आवर में देखें कि कितना डिग्री ये कवर कर रहा है, तो फॉर एग्जांपल 24 आवर्स इज इक्वल टू 360 डिग्री एंड वन आवर बात करें हम तो वो हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 24 जो बनेगा आपका 15. आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, वैसे 15 डिग्री बनेगा. सो एक आवर में ये देखें तो ये कवर करता है आपका 15 डिग्री एंड देखें कि अगर हम एक डिग्री कितने एक डिग्री में मतलब कितना टाइम कवर होता है, तो सो देख सकते हैं हम फॉर एग्जांपल वन आवर को हम कर देंगे 60 मिनट कह सकते हैं हम इसको. और ये हो गया आपका 50 डिग्री एंड वन डिग्री इज इक्वल टू 16 अपॉन 50 और इसको कर देंगे हम तो आएगा आपका 4. सो इसका बेसिक सा मतलब हुआ कि वन डिग्री जो आपका होता है वो होता है आपका 4 मिनट्स के बराबर, मतलब एक
डिग्री आपका 4 मिनट्स में कवर हो जाता है। तो जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सो लोकल टाइम एट द मेरिडियन विच हैज़ बीन चूजन फॉर द आपका स्टैंडर्ड टाइम वो कहा जाता है आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड सा दे देता हूँ। अब मैंने पहले बताया कि एक डिग्री पे आपका 4 मिनट्स कंप्लीट हो रहे हैं, सेकेंड डिग्री पे ऐसे ऐसे करके टाइम बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा वैसे। एंड हमारा जो आपका जो अर्थ अर्थ है, अर्थ नहीं आपका इंडिया कह सकते हो, वो आपका आता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर, तो यहाँ से भी कुछ एक आप देखोगे तो लॉन्गिट्यूड गुजरेंगे। सो फॉर एग्जांपल हमने इस पॉइंट का जो है वो हमने डिस्कस मान लिया है कि गवर्नमेंट डिसाइड कर लेती है कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट ये जो मेरिडियन है या फिर लॉन्गिट्यूड हो गया, इसका हम लोकल टाइम मानेंगे जो आपका पूरे जो इंडिया में वो यही लागू रहेगा। सो इसको कहा जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। एंड जो कई जो कंट्रीज हैं उनका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो काफ़ी बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल जो कोई कंट्री है वो इतने लॉन्गिट्यूड में आ रही है। सो देख सकते हो आप यहाँ पे, देखो यूं मूव कर रही है, यहाँ पर ऐसे लॉन्गिट्यूड चल रहे हैं। सो देख लो आप, जैसे कि आपने बोला, मैंने बोला कि हर एक डिग्री पर आपका 4 मिनट का गैप होता है। सो देखो कितने यहाँ पर डिग्री होंगे, और इस पॉइंट में देख सकते हो आप, और इस पॉइंट में देख सकते हो कि अगर आप कितना पॉइंट का डिफरेंस हो सकता है यहाँ पर, कितना मतलब टाइम का गैप हो सकता है। सो इसके लिए इन्होंने आपके मल्टीपल आपके जो वो है स्टैंडर्ड टाइम डिस्कस किए हैं, मतलब अडॉप्ट किए हैं। एंड फॉर एग्जांपल रशिया के हैं आपके टोटल 11, एंड ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है आपका ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियन ऑफ लैंगिट्यूड्स। इसका मतलब ये है, ये बनी आपकी अर्थ, ये है आपका इक्वेटर, ये बने आपके लैटिट्यूड्स हो गए और लॉन्गिट्यूड्स हो गए ये इस तरीके से। सो आप देख सकते हो ये कुछ ग्रिड जैसा डायग्राम बना है। सो इसको कहा जाता है ग्रिड नेटवर्क इस तरीके से। एंड अब मैं बता देता हूँ किसी जो प्लेस की जो आपकी लोकेशन है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। वैसे तो आपको जनरली सभी को पता होती है, बट अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, बट इसको रब कर लेता हूँ पहले। फॉर एग्जाम्पल कोई आप कहता है कि ये जो प्लेस है, अब थोड़ा सा एक सब बेसिक सा ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जीरो इक्वेटर डिवाइड करता है, इक्वेटर डिवाइड करता है आपको नॉर्दर्न एंड हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउथ सदर्न हेमिस्फेयर, और वहीं पर आपका जीरो डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है वो आपको डिवाइड करता है आपका ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कहता है कि जो हमारा जो लोकेशन है वो है आपका 23rd डिग्री नॉर्थ में, सो इसका तो हमें पता लग गया कि ये नॉर्थ में है, मतलब 23 डिग्री नॉर्थ में है ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। सो फॉर एग्जांपल ये है आपका 23rd डिग्री नॉर्थ में। सो देख सकते हो आप, अगर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखो आप, यहाँ पर किसी भी जगह पर लोकेशन हो सकती है उस बंदे की, उस पर्सन की। सो ऐसा तो हो सकता है कि वो एक ही टाइम पे आपके बहुत जगह पे रह रहा हो। सो अगर आप लॉन्गिट्यूड की बात करें, फॉर एग्जांपल यूं, अब ये है आपका जीरो डिग्री और ये है आपके, इससे जो पॉइंट होंगे ये होंगे आपके वेस्टर्न हेमिस्फेयर में और ये होंगे ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, नहीं ये ईस्टर्न में होंगे और ये होंगे वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। सो अगर वो ये भी कह देता है कि आपका 5 डिग्री या फिर 24 डिग्री ईस्ट में है या फिर वेस्ट में है, फॉर एग्जांपल हम ईस्ट में लेके चल रहे हैं, तो कहीं मान लो अगर यहाँ पर है, यहाँ से जो 23 डिग्री 24 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है वो यहाँ पर गुजर रहा है इस पॉइंट से। सो मतलब इसकी लोकेशन कुछ यहाँ पर होगी इस बंदे, इस पर्सन की।
सो ऐसे हम कुछ एक लोकेशन का पता लगाते हैं. सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर टुडे, एंड इफ यू थिंक दिस वीडियो वाज यूजफुल टू यू इन एनी वे देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो वी कैन गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर सच एजुकेशनल वीडियोस. टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड.